नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपेश माथुर और 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से है ये बड़ी खबर, जहां पर जोरदार धमाका हुआ है, हादसा हुआ है बड़ा। यूपी की राजधानी लखनऊ से ये बड़े हादसे की खबर आप देख रहे हैं। इस हादसे में परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जो वजह सामने निकल कर आई है, शॉर्ट सर्किट, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। धमाके से एक ही परिवार के 5 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि जो लोग आग बुझाने का काम कर रहे थे, रेस्क्यू में जुड़े हुए थे, वो 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, और जो लोग घायल हुए उनमें से भी 2 की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती उन्हें कराया गया है। दरअसल शॉर्ट सर्किट से देर रात घर में आग लगी, और आग इतनी तेजी के साथ फैली कि घर में जो सिलेंडर रखे हुए थे वो भी ब्लास्ट हो गए, और इसमें परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें पति पत्नी और 3 बच्चे बताए जा रहे हैं। अन्य 4 जख्मी हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया है और वहां उनका इलाज चल रहा है, जिसमें 2 की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है।